हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ क्लास टेंथ की जो आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पता होगा। तो उस बुक से जो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई होप आपने एनसीईआरटी तो कम्प्लीट अब तक कर ली होगी। सो अब मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। सो आपको ये जो है मेन कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट्स हैं चैप्टर, आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स और फॉर्मूलाज दिए हुए यहाँ पे, तो आप ये देख लीजिएगा। और जो है आपने एनसीईआरटी तो कर ही ली होगी, और इसमें से जो है कई बार जो है एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। थोड़ा लेवल अच्छा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपने स्टैंडर्ड ली हुई है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर कीजिएगा। अगर आपने बेसिक ली हुई है तो भी कुछ क्वेश्चन जो थोड़े ईजी हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप जो है आंसर जो है सॉल्व करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैच कर लीजिएगा आंसर्स। सो इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ भी वैसे भी आ सकते हैं कि मतलब एज इट इज़ आ सकते हैं। 2-3 मार्क्स का सब्जेक्टिव में भी एमसीक्यू बन सकता है मैथ्स में। तो सो आप देख लीजिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये जो है वो एमसीक्यूज थे, अब जो है कुछ क्वेश्चंस आ गए मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप ये देख लीजिए सारे, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलों को जरूर करके जाइएगा। तो आप देख लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे, इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। आप देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आंसर जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए सारे क्वेश्चंस हैं, और साथ में इसमें सैम्पल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, देख लीजिए आप इनको भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। इनमें से भी आ सकते हैं, तो कहीं से भी आ सकते हैं आप, हर एक चैप्टर के भी जगह। मैं जो है और साइंस जो है साइंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी दिए हुए मैंने क्वेश्चन, और जो है चैप्टर्स के क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए मैंने इन टेक्स्ट, और जो बाहर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं साइंस में भी, इंग्लिश में मैंने दिए हुए। तो आप वीडियो में जो है मेरे चैनल में जाके जो है देख सकते हैं हर एक चैप्टर के जिसके भी आपको चाहिए। तो मैंने हर एक के जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये देख लीजिए सारे क्वेश्चन हैं, ये सैम्पल क्वेश्चन है कुछ। इसके बाद जो है स्टेटमेंट वाले इस चैप्टर में वैसे आपके इंपॉर्टेंट है आएंगे, और डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर इसके बेस्ड ही आते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। वैसे ईजी चैप्टर है ये, तो आप देख लीजिए सारे जो है क्वेश्चन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। और आपने अगर एनसीईआरटी नहीं की है तो पहले आप एनसीईआरटी कीजिएगा फिर इनको कीजिएगा, वैसे आपने अब तक कर ली होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो एनसीईआरटी पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेस है एक। अगर बेस अच्छा होगा तो ही फाउंडेशन आगे अच्छा होगा, तो इसलिए जो है एनसीईआरटी बेस है। तो आप जो है ये देख लीजिए सारे जो है क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आंसर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई और चैप्टर पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।